नमस्कार दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज की की पहली बड़ी खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे गंगो मांगा भाजपा के लिए जन समर्थन गंगो विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी चौधरी किरत सिंह के लिए वोट की अपील करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गंगो के हिंदू राष्ट्रीय कॉलेज के प्रांगण में पहुंचकर जनता से भाजपा के समर्थन में वोटिंग करने की अपील की और कहा कि सपा सरकार में आमजन और बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी लोग पांच बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे परंतु जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है गुंडे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं 22 बूथों पर होगा एमएलसी के लिए चुनाव 3 मार्च को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए सहारनपुर मंडल में 22 बूथ बनाए गए हैं सहारनपुर में 10 मुजफ्फरनगर में सात शामली में 5 बूथ बने हैं इसमें चुनाव में पाँच हजार छियानवे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव के साथ साथ एमएलसी चुनाव की भी तैयारियों में जुटा हुआ है सहारनपुर के बेटे ने इंग्लैंड में दिखाया कमाल सहारनपुर के बेटे वासु वत्स ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का देश का गौरव बढ़ाया है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद के परिवार में खुशी का माहौल है वासु वत्स सहारनपुर स्थित तीतरो के गांव बेरखेड़ी हिंदू के रहने वाले हैं उनके पिता सुनील कुमार जिला शामली में एक प्राइवेट विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है भारतीय टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने के परिवार परि परिवार में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा बीती शाम शिवपुरी कॉलोनी स्थित सपा नेता विजय कश्यप के निवास पर पहुंचे समाजवादी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पांच वर्षों में कोई ऐसा कार्य ही नहीं किया जिसे जनता के सामने उपलब्धि के रूप में रख सके नौजवानों को पीटने किसानों को कुचलने और इनके विरोध में बोलने वालों को देशद्रोही बताने में ही पूरा कार्यकाल बीत गया उन्होंने कहा कि अब भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है इसलिए अनगन बातें कर रहे हैं देखिए वीडियो 21 दिनों बाद कल से खुलेंगे शिक्षण संस्थान कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ते ही किस दिन बाद सोमवार से शिक्षण संस्थान खुलेंगे कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा इसके अलावा कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए शर्त बनाई गई है वहीं आपको बताएंगे कि छात्र छात्राओं को इस दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहे रामपुर मनिहारन क्षेत्र के कलोनी वासियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का लिया फैसला दरअसल कलोनी खासा नाराज है कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका इससे आहत होकर लोगों ने वोट नहीं देने का ऐलान किया है रामपुर मनिहारन क्षेत्र के पीर बनी कॉलोनी में सड़क नहीं बनने ट्रांसफार्मर फूकने से कई दिनों से बिजली से बिजली न आने कलोनी सातवें आसमान पर है। यहाँ के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है लोगों का साफ कहना है कि जब उनकी कलोनी में विकास ही नहीं होगा तो वोट किसी ले देंगे घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गया जेल रामपुर मनिहारन थाने क्षेत्र के एक गांव में आरोपी युवक को दूसरे संप्रदाय के घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया है घटना थाना क्षेत्र के गांव इस्लाम नगर में एक दिन पहले शनिवार की बताई जा रही है गांव के मोबीन पुत्र इस्लाम ने थाने पर तहरीर में आरोप लगाया कि गांव का ही सोनी पुत्र गंशा मौका देखकर उनके घर में घुसाया और बहन के साथ खींचातानी व छेड़छाड़ करने लगा पुलिस ने आरोपी सोनी को युवती से छेड़छानी पुलिस ने आरोपी सोने को युवती से छेड़खानी करने की धारा में जेल भेज दिया है सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिब को और सिब आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील कर रहा है कोरोना से बचे अपने परिवार को बचाए सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी के साथ साथ मास्क का प्रयोग अवश्य कर